सारे एमएलए मंत्री संतरी ये जितने हैं लूट लिया इन लोगों ने। कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे कहां जा रहा है सारा पैसा, घाटे में क्यों चल रही है? कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, किसी को दवा दारू दी इन्होंने, कोई काम कराया इन्होंने? कोई काम नहीं कराया इन्होंने 27 साल में, इन्होंने कोई काम नहीं कराया। ये हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कहां करते हैं? पूरा करेंगे हम, जो कहते हैं वो करते हैं। अभी जैसे भगवंत मान साहब ने बताया, हम अगर 4 गारंटी देते हैं तो 5 काम करके दिखाएंगे, 3 नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, ज्यादा काम करके दिखाएंगे। यहां जितने लोग आए हुए हैं, जो जो लोग बदलाव चाहते हैं जरा हाथ खड़े। कौन कौन बदलाव चाहता है, कौन कौन परिवर्तन चाहता है? सब लोग चाहते हैं। तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। आईबी की एक रिपोर्ट आई है, आईबी मतलब एक खुफिया एजेंसी है सरकार की, केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी। केंद्र सरकार ने गुजरात में उस एजेंसी को भेज के एक सर्वे कराया, जरा पता करके आओ गुजरात में कौन जीत रहा है, किसकी हवा है, किसकी सरकार बन रही है। सरकारी एजेंसी है, हमारी नहीं है। आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि आने वाले चुनाव में गुजरात में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन उस रिपोर्ट में लिखा है कि आम आदमी पार्टी की 94-95 सीट आ रही है, अभी किनारे पे है, बस थोड़ी सी जीत है, जीत रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन 2-3 सीट से जीत रही है। अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सबको, 2-3 सीट से नहीं, कम से कम 40-50 सीट से जीत होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो अभी मान साहब ने भी कहा, ईशुदान भाई ने भी कहा कि 40 दिन रह गए, 50 दिन रह गए चुनाव के, अब थोड़ी सी अगर धक्का मारेंगे, जोर का धक्का मारेंगे, तो पंजाब के और दिल्ली के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। गुजरात में इतनी सीट आनी चाहिए, इतनी सीट आनी चाहिए। तो अब सरकार तो बनने जा रही है, मेहनत करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे मेहनत? सरकार तो बनने जा रही है, 1 दिसंबर को सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। सबसे पहला काम क्या करेंगे? भ्रष्टाचार खत्म करेंगे गुजरात से। मेरे को कोई बता रहा था, एक एमएलए है, जब वो चुनाव लड़ा, गुजरात का एमएलए है, पिछला चुनाव जब वो लड़ा उसकी 4 एकड़ जमीन थी, एकड़ ही बोलते हैं यहां पे गुजराती में, 4 एकड़ जमीन थी। आज 5 साल के बाद उसकी 1000 एकड़ जमीन हो गई। 1000 एकड़ कहां से आई, कहां से आई, है ना? सबका यही हाल है, सारे एमएलए मंत्री संतरी ये जितने हैं लूट लिया इन लोगों ने। कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे कहां जा रहा है सारा पैसा, घाटे में क्यों चल रही है? आप लोग इतना टैक्स देते हो, आप लोग सवेरे उठ के शाम तक रोटी खाते हो उस पे टैक्स, दूध पीते हो उस पे टैक्स, पंखा चलाते हो उस पे टैक्स, साबुन इस्तेमाल करते हो, इतना टैक्स देते हो आप लोग, गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, कहां जाता है सारा पैसा? गुजरात सरकार हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, 2.5 लाख करोड़ रुपए, बाप रे बाप, 2.5 लाख करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में 27 साल में कोई सड़क बनी, कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, किसी को दवा दारू दी इन्होंने,
कोई काम कराया इन्होंने? कोई काम नहीं कराया इन्होंने 27 साल में, इन्होंने कोई काम नहीं कराया। ये हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कहां करते हैं? अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, स्विस बैंक में ले जाते हैं, इतना पैसा कमा लिया, अपनी बीवी के नाम जमीन, बेटे के नाम जमीन, दादे के नाम, बच्चे के नाम, जो पैदा नहीं हुआ उसके नाम भी जमीन खरीद ली उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारा पैसा इनसे वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक पैसा इनसे वापस लेंगे, एक एक पैसा। विचार करेगा सीधा जेल जाएगा वो। अभी पंजाब के अंदर हमारा एक अपना मंत्री कुछ गड़बड़ कर रहा था, हमारा अपना मंत्री, सेहत मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, करेंगे खूब पैसा बचेगा, खूब पैसा बचेगा, खूब पैसा बचेगा, खूब पैसा बचेगा। पैसे की कमी नहीं है, पैसे अब बहुत है सरकारों के पास, बहुत पैसा है इनके पास। उस पैसे से क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी बिजली मुफ्त करेंगे। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 1 मार्च के बाद महंगाई बहुत हो रही है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं गुजरात से, कहते हैं कि सर बहुत महंगाई हो गई, घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे पालने को पैसे नहीं है, हर चीज महंगी होती जा रही है, आमदनी बढ़ती नहीं है, सैलरी तनख्वाह बढ़ती नहीं है। दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर हमने लोगों की बिजली मुफ्त कर दी, और जितनी पुराने बिल थे, पुराने जैसे किसी का 70,000 बकाया था, किसी का 80,000 बकाया था, किसी का 1 लाख बकाया था, पुराने सारे बिल माफ कर दिए, अभी बिजली मुफ्त कर दी, तो लोगों के 0 बिल आते हैं दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, 0, 0। दिल्ली में लगभग 42 लाख लोगों के 0 बिल आते हैं, पंजाब में 50 लाख घरों के 0 बिल आते हैं। गुजरात के अंदर 0 बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? 1 मार्च के बाद से नोट कर लो, 1 दिसंबर को सरकार बनेगी, 2-3 महीने लगेंगे सारी कार्रवाई पूरी करने में, 1 मार्च से गुजरात के लोगों के 0 बिजली के बिल आया करेंगे। ये दोनों पार्टियां मेरे को खूब गाली दे रही हैं, कह रही हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है, केजरीवाल फ्री बिजली क्यों देता है। गुजरात के मुख्यमंत्री को हर महीने 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, गुजरात के मंत्रियों को हर महीने 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। गुजरात के मुख्यमंत्री को बिजली फ्री मिले तो कोई बात नहीं, गुजरात के मंत्री को बिजली फ्री मिले तो कोई बात नहीं, गुजरात की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाए तो इनको मिर्ची लगती है। अगर मुख्यमंत्री को बिजली फ्री मिलती है, मंत्री को बिजली फ्री मिलती है, तो जनता को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको बिजली मुफ्त देंगे, 1 मार्च से आपका बिजली का बिल 0 आया करेगा। दूसरा काम करेंगे, 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं, जितनी बेटियां, जितनी बहनें, जितनी माएं, हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डलवाया करेंगे। जितनी महिलाएं बैठी हैं, जितनी अपने परिवार में सब लोग बोल देना, 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं, अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवा लें, सरकार बनने के बाद हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डाला करेंगे। ये लोग इस पे भी मेरे को खूब गालियां देते हैं, कहते हैं महिलाओं को पैसे देने की क्या जरूरत है। दोस्तों आपको भी पता होगा, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं बहुत गरीब परिवारों के हैं, कई ऐसी बेटियां हैं पैसे की कमी के कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है, कॉलेज के पैसे देने के नहीं है पिताजी के पास, बस का किराया देने के लिए नहीं है पिताजी के पास। अगर उस बेटी के जेब में 1,000 रुपए जाएंगे तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी, कर लेगी कि नहीं कर लेगी? कितनी ऐसी बहनें हैं महंगाई की वजह से वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती, वो अपने बच्चों को सब्जी नहीं खिला पाती, वो अपने बच्चों को ठीक से
पढ़ा नहीं पाती। ऐसी बहन की जेब में 1000 रुपए जाएंगे तो वो अपने बच्चों को ठीक से पाल सकती है कि नहीं पाल सकती? तो 1000-1000 रुपए हर महिला को हम उसके अकाउंट में देंगे। मैं सभी महिलाओं को कहना चाहता हूं, हवे तुम्हारे चिंता करवानी जरूरी न थी, तुम्हारो भाई आवी गयो छे। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर दिए। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते वो बच्चे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी, जैसे गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है। छतें टूटी पड़ी थी, दीवारें टूटी पड़ी थी, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था पहले। दिल्ली में आज हमने सरकारी स्कूल इतने शानदार बना दिए। अब एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, किसान का बच्चा वकील बन रहा है, गरीबों के बच्चे अब शानदार नौकरियां मिल रही हैं उन बच्चों को। ऐसे ही तो अपना भारत आगे बढ़ेगा, जब अच्छी पढ़ाई बच्चों को मिलेगी, गरीबों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी। गुजरात के अंदर भी शिक्षा अच्छी करेंगे, गुजरात के भी सारे सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। गुजरात के अंदर खूब सारे नए सरकारी स्कूल खोलने हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था कर देंगे, दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अपने नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। गुजरात में इतने अच्छे कर देंगे स्कूल कि आपको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, सरकारी स्कूल भेजेंगे सारे जने। लेकिन अगर फिर भी जो लोग प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहें, अभी मेरे को पता चला है प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, अभी भी फीस बढ़ा देते हैं, ऊट पटांग फीस लेते हैं। ये प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक करेंगे। दिल्ली में 7 साल से प्राइवेट स्कूल वालों को हमने मनमानी फीस नहीं बढ़ाने दी, गुजरात में भी इनकी फीस बढ़ाने को रोकेंगे और प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक करेंगे। लेकिन मेरी आपको गारंटी है, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर देंगे कि आप प्राइवेट स्कूल को भूल जाओगे, सारे लोग अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराओगे। दिल्ली में हमने एक काम और किया, आज अगर अपने घर में कोई बीमार हो जाए और थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो जाए, घर के जेवर बिक जाते हैं, घर की जमीन बिक जाती है, सब कुछ बिक जाता है, और फिर भी पता नहीं आदमी बचता है नहीं बचता। सरकारी अस्पतालों का हाल बुरा है, ना दवाइयां मिलती हैं, ना टेस्ट होते हैं, ना मशीनें काम करती हैं। पहले दिल्ली में भी यही हाल था, दिल्ली में हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, एक MBBS डॉक्टर बिठा दिया, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज मुफ्त। बड़ी बीमारी हो तो बड़े बड़े सरकारी नए खूब सारे अस्पताल बना दिए, शानदार अस्पताल, प्राइवेट से भी ज्यादा अच्छे अस्पताल। अब हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली की 2 करोड़ जनता का, हर आदमी का इलाज हमने मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। गुजरात के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुजरात में भी करेंगे, खूब सारे नए सरकारी अस्पताल खोलेंगे हर गांव के अंदर। मैंने पूरा हिसाब लगाया है, गुजरात में 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे गांव के अंदर, आपका सारा इलाज मुफ्त होगा। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, चिंता मत करना, आपका बेटा आपका इलाज कराएगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं। अगर गुंडागर्दी चाहिए उन लोगों को वोट दे देना, 27 साल से देते आए हो। भ्रष्टाचार चाहिए, लफंगई चाहिए, उनको वोट दे देना। अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हो, अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हो, तो मेरे पास आ जाना, मैं बनवा दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक आम आदमी हूं,
हमारी पार्टी के पास कुछ नहीं है, भगवंत मान साहब भी फक्कड़ आदमी है। 7 साल में हमने केवल लोगों की दुआएं कमाई हैं, जिन गरीबों के बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दी है, जिन गरीबों के परिवारों का हमने इलाज करा दिया, फ्री में इलाज करा दिया, जान बचा ली जिनकी, वो हमें खूब आशीष देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं, खूब दुआएं देते हैं। उन्हीं की दुआओं का असर है कि एक छोटी सी पार्टी पहले दिल्ली जीत गई, फिर पंजाब जीत गई, अब गुजरात जीतेंगे, क्योंकि लोगों का काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं हम लोग। यही तो पुण्य है, यही तो हमारा धर्म कहता है, गरीबों की सेवा करो, वही काम कर रहे हैं, आम लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप लोगों में से कौन कौन बेरोजगार है जरा हाथ खड़े करो। सारे बेरोजगार है, मैकेनिकल इंजीनियर, वो बता रहे हैं इंजीनियर हैं फिर भी बेरोजगार हैं। बैठो बैठो बैठो। मैंने एक टीवी में देखा, इनका बहुत बड़ा नेता, उससे पत्रकार ने पूछा कि सर बेरोजगारी बहुत है, इतने लोग बेरोजगार हैं, आप क्या कर रहे हैं? पता है क्या बोला? कहता ये लोग निकम्मे हैं, ये लोग काबिल नहीं है, इसलिए बेरोजगार है। मेरे को इतना गुस्सा आया, एक तो तुम रोजगार नहीं दे सकते और ऊपर से तुम हमारे लोगों को निकम्मा बोलते हो, हमारे बच्चों को निकम्मा बोलते हो। इतना अहंकार आ गया तुम्हारे अंदर, इतना घमंड आ गया तुम्हारे अंदर। अरे निकम्मे हमारे बच्चे नहीं है, निकम्मे तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे निकम्मे हैं फिर भी चेयरमैन बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, इनको टिकटें दिला देते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन जाते हैं। हमारे बच्चों को एक मौका तो देके देखो, तुम्हारे बच्चों को पीछे छोड़ देंगे। मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाए हैं, 12 लाख बच्चों को। पंजाब में अभी भगवंत मान ने 20 हजार हो गई, अब तो 20 हजार से ज्यादा 6 महीने हुए अभी इसको बने हुए मुख्यमंत्री, 20 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी इन्होंने। हमारी नीयत साफ है, हमें पता है कि आम आदमी का घर कितनी मुश्किल से चलता है, बेरोजगारी के अंदर क्या तकलीफ होती है, हम देना चाहते हैं दे। और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा बेरोजगारी होगी। हर बेरोजगार युवा को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जैसा मैंने बताया, हम इतने सारे स्कूल खोलने वाले हैं, इतने सारे अस्पताल खोलने वाले हैं, इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, इतना काम करेंगे, 10 लाख सरकारी नौकरियां नई निकलेंगी गुजरात के अंदर, नई 10 लाख सरकारी नौकरियां आपके बच्चों को मिलेंगी, 10 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। और पेपर नहीं फूटने देंगे, पेपर जितने पेपर अभी तक बचे हैं फरवरी के महीने में तलाटी का पेपर करा देंगे और जुलाई के महीने तक उनकी पोस्टिंग करा देंगे। मेरे को पता चला, मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है अगले साल का शेड्यूल, टेट का पेपर, पुलिस में भर्ती के पेपर, सारे जितने पेपर है एक साल के अंदर सारे पेपर करा देंगे, कोई पेपर नहीं फूटेगा। अगर कोई पेपर फूटा उसको पकड़ के 10 साल की जेल होगी, उसको बख्शेंगे नहीं किसी भी हाल। एक मैं ये देख रहा था, पूरे गुजरात में अभी मैं घूम रहा हूं, आपके इलाके में भी मैं घूमा, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं कि नहीं पड़ी हैं? सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। दोस्तों मैं ये तो कह रहे थे कि बड़ी सड़कें अच्छी कर दी, ये कर दी, पता नहीं, 1 घंटे का सफर 3-3 घंटे लग जाते हैं। ये सारी सड़कें बनाएंगे ईमानदारी से, जब सरकार होगी खूब पैसा बचेगा, उस पैसे से सारी आपकी सड़कें भी बनाएंगे। जो जो जरूरी वाली सड़कें हैं वो पहले 6 महीने में बना देंगे, फिर धीरे धीरे करके बाकी 2-3 साल के अंदर सारे गुजरात की सड़कें ठीक करा देंगे।
बहुत सारे किसान आए हुए हैं यहां पे। पंजाब में भगवंत मान साहब ने 5 फसलों पे एमएसपी दे दी है। एमएसपी अभी तक क्या होता था, सरकार एमएसपी तय कर देती थी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, उस पे तो माल बिकता नहीं था, उस पे तो फसल बिकती नहीं थी। तो इन्होंने ये कह दिया कि अगर मार्केट में एमएसपी पे आपकी फसल ना बिके तो सरकार आपकी फसल खरीदेगी, आपको एमएसपी का दाम दिलवाया जाएगा। भगवंत मान साहब ने 5 फसलों पे गेहूं, चावल, कपास, नरमा और मूंग दाल, इन 5 फसलों पे पंजाब में एमएसपी दे दी। अब अगर किसी भी किसान की फसल मार्केट में इससे कम रेट पे बिकती है वो सरकार को बेच के आ जाता है, सरकार खरीदती है, अनिवार्य जरूरी है सरकार को खरीदना। आपको भी हम शुरू 5 फसलों से करेंगे, फिर एक एक करके सारी फसलें, 5 फसलें हम सरकार बनते ही 5 फसलें हम एमएसपी देंगे। गेहूं, चावल, चना, मूंगफली, कपास, ये 5 फसलों पे गुजरात के अंदर हम एमएसपी देंगे। आपको अगर मार्केट में इससे कम रेट मिले एमएसपी पे सरकार के पास आ जाना, सरकार आपकी फसल खरीदेगी एमएसपी के ऊपर। 12 घंटे बिजली देंगे, अभी रात को आती है, कभी आती है, कभी नहीं आती है, दोपहर के अंदर 12 घंटे आपको बिजली देंगे। सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, कई साल हो गए अभी तक नर्मदा का पानी नहीं पहुंचा चारों तरफ, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। दिल्ली के अंदर और अब पंजाब के अंदर हमने प्रति हेक्टेयर अगर फसल बर्बाद हो जाए सरकार प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर उसके अकाउंट में 1 महीने के अंदर जमा करा देती है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यह गुजरात में भी लागू करेंगे। अयोध्या में अगले साल भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। कौन कौन मंदिर देखने जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं लेकिन आना जाना, खाना पीना रहना बड़ा महंगा है कि नहीं है? और पूरे परिवार को ले जाओ तो बहुत खर्चा होता है। दिल्ली में हमने एक स्कीम चालू की है, दिल्ली वालों को मैं फ्री में अयोध्या जी के रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाता हूं। स्पेशल ट्रेन जाती है दिल्ली से, उस ट्रेन में सारे राम भक्त होते हैं। लोगों का आना जाना, खाना पीना रहना सब कुछ आपके घर से लेके जाते हैं, घर से लेके जाते हैं, अयोध्या जी में राम मंदिर के दर्शन कराते हैं, वापस घर छोड़ के आते हैं, सब कुछ फ्री होता है। जब ट्रेन जाती है मैं उनको छोड़ने जाता हूं, जब ट्रेन वापस आती है मैं ट्रेन पे उनको लेने जाता हूं, जितने लोग जाते हैं, जब वापस आते हैं इतना आशीर्वाद देते हैं वो लोग, इतना आशीर्वाद देते हैं। कई बुजुर्ग लोग कहते हैं जी बस जिंदगी की आखिरी तमन्ना थी पूरी हो गई, ये भगवान उठा भी ले तो किसी चीज की कोई, इतना आशीर्वाद देते हैं लोग। गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी, आप सब लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन करा के लाएंगे। एक मैं देख रहा था गुजरात के अंदर सड़कों पे गाय का बहुत बुरा हाल है, गाय तो हमारी माता है, इन लोगों ने गाय की रक्षा के लिए और गाय के रखरखाव के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में हम 40 रुपए प्रति गाय गौशाला वालों को देते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनके खाने पीने के लिए। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, प्रति गाय 40 रुपए गुजरात के अंदर भी देंगे ताकि गौ माता की रक्षा की जा सके और गौ माता को जगह जगह सड़कों के ऊपर। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये मेरे ऊपर मेरे को खूब गालियां देते हैं सारे, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता है, फ्री की, हर बच्चे को हमारे देश में फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हर बंदे को अच्छा इलाज फ्री में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर घर को फ्री बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
ये मेरा क्यों विरोध करते हैं, ये क्यों विरोध करते हैं, क्यों कहते हैं फ्री 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 नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं स्कूल बनाऊंगा, कहते हैं स्कूल नहीं बनने चाहिए। मैं कहता हूं अस्पताल बनाऊंगा, कहते हैं अस्पताल नहीं बनने चाहिए। मैं कहता हूं फ्री बिजली दूंगा, ये कहते हैं फ्री बिजली नहीं होनी चाहिए। इनको ये डर लगता है कि अगर ये फ्री में दे दिया सब कुछ तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा, है कि नहीं है। जो इसे 4 एकड़ जमीन से 1000 एकड़ हो गई, पैसा कहां से आया, यहीं से तो लूटा। अगर ये फ्री बिजली दे देते तो पैसा ही नहीं बचता लूटने के लिए। अस्पताल बनाने लग जाते तो पैसा ही नहीं बचता लूटने के लिए। स्कूल बनाने लग जाते तो पैसा ही नहीं बचता लूटने के लिए। इसलिए कहते हैं ये फ्री बंद करो, फ्री बंद करो। ये केजरीवाल को रोको, केजरीवाल को रोको। रोज गालियां देते हैं मेरे को, और दोनों पार्टी इकट्ठी होकर गालियां देती है, दोनों पार्टी इकट्ठी हो गई है इनको लूटने। अगर कोई कहे ना फ्री गड़बड़ है, फ्री रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ लेना उस आदमी की नीयत खराब है, उसके मन में खोट है, वो आदमी भ्रष्टाचारी है, वो पैसे कमाना चाहता है, उसकी नीयत खराब है, समझ लेना। कोई भी नेता देखो, कोई भी नेता खड़ा हो गया यार ये फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री गड़बड़ है, फ्री नहीं होना चाहिए, समझ लेना नेता बदमाश है। पूरे गुजरात के अंदर इस टाइम एक आंधी चल रही है बदलाव की। यहां भी इतने सारे लोग आए हुए हैं, मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे आज इस सभा के अंदर। आज इनको बीजेपी वालों को नींद तो नहीं आती। पूरे गुजरात में बदलाव की आंधी चल रही है, और जब से आईबी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये बीजेपी और कांग्रेस की सीक्रेट मीटिंग होने लग गई है। खूब सीक्रेट मीटिंग हो रही है दोनों के नेताओं की। कुछ भी करो ये आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कुछ भी करो। दोनों रात को मीटिंग करते हैं, 12 बजे मीटिंग होती है इनकी, और सवेरे 10 बजे एक पार्टी वाला नेता कहेगा केजरीवाल कमीना है, दूसरा कहेगा केजरीवाल ठग है, फिर 2 बजे 30 वो दूसरी पार्टी वाला कहेगा केजरीवाल महाठग है। एक ही भाषा में गाली देते हैं दोनों, एक ही भाषा में, जैसे रात को मीटिंग में तय करके आए हों कि आज ये वाली। एक पार्टी वाला कहेगा केजरीवाल आतंकवादी है, दूसरा कहेगा केजरीवाल खालिस्तानी है। दोनों एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं, एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इनकी चाल समझ लेना, कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ना। कांग्रेस की 10 से भी कम सीट आ रही है सर्वे में, और 10 से कम सीट आ रही है, और ये 10 भी नहीं बचने वाले चुनाव के बाद, ये 10 भी चले जाएंगे बीजेपी में। कांग्रेस को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए, सारे वोट कांग्रेस के आम आदमी पार्टी को पड़ने चाहिए। अपने घर में भी आसपास बोल देना, सारे वोट आम आदमी पार्टी को पड़ने चाहिए। और अब ये चुनाव आपने लड़ना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने 7 साल दिल्ली की सरकार ईमानदारी से चलाई है, मेरे पास भी अकाउंट में पैसे नहीं है, मेरी पार्टी के पास भी नहीं है। आप लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, अभी ये खत्म होते ही अपने अपने फोन निकाल लेना, फोन निकाल के व्हाट्सएप में जितने लोग हैं सबको मैसेज भेज देना कि भाई इस बार मैं तो आम आदमी पार्टी को दे रहा हूं, तू भी दे दे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बोलो करोगे? अभी आधे घंटे के अंदर सारे कर लेना, व्हाट्सएप के ऊपर सबको मैसेज भेज दो, और अपनी अपनी डीपी बदल लो, सारे जने अपनी डीपी में आम आदमी पार्टी का लगा लो, मंजूर है? फिर वो करना है जो यशुदान भाई ने कहा कि अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में कम से कम 100 लोगों के पास जाके, घर घर जाना पड़ेगा, देखो 100 लोगों के पास जाके बोलना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है, झाड़ू को वोट देना है, मंजूर है?